हाँ जी, खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। मैं वॉटसन गिल। दोस्तों, मेरी जो वीडियो का जो मौजू है वो ट्रांसजेंडर का जो बिल इस वक्त पास तो 2018 में हुआ ये है, और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल जो है ये 2018 में पास हुआ है, कौमी असम्बली से, सेनेट से, इस्लामी नजरियाती कौंसिल से ये पास हुआ। अभी इस पर जमात इस्लामी ने कीड़े निकालने शुरू किए, और मेरा जो मौजू है इस हवाले से, क्योंकि हमारे कुछ पास्टर्स हैं उन्होंने भी इस पर कीड़े निकाले, और अब हमें देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं। इस वीडियो के बारे में आपको बता दूं कि मैंने ये वीडियो बड़ी अच्छी एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने एक पास्टर हैं हमारे बड़े मोतबर पास्टर हैं उनके वीडियो क्लिप भी निकाले थे, लेकिन उसका फॉर्मेट बहुत बड़ा हो गया था और मैंने बड़ी तफसीली वीडियो बनाई थी जो 35 से 40 मिनट की तकरीबन बन रही थी, लेकिन वो मैं नहीं उसको वो कर सका, मतलब मुझसे वो डाउनलोड नहीं हो रही थी, और मैंने कुछ दोस्तों को भी वो भेजा लेकिन मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लिप जो जुड़े हुए थे। तो बहरहाल फिर मैं सरेंडर कर गया, और आज मैंने कहा कि मैं इसको बनाता हूँ और अपना मौकफ जो देता हूँ जैसे भी है, वो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और चूंकि ये बड़ा ज़रूरी मौजू है इसके ऊपर बात करें ट्रांसजेंडर के हवाले से। लफ्ज़ ट्रांसजेंडर की जो लुगत है उसको भी मैंने देखा तो मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि मुझे डिक्शनरीज के अंदर इसका जो मकसद, जो हमारे पाकिस्तान में हिजड़े हैं, हमारे जो ख्वाजा सरा हैं, बहन भाई हैं हमारे, उनके जो जो माँ के पेट से इस तरह आए उनके लिए ये लफ्ज़ कहीं मुझे सेट नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट में बड़े बड़े मोतबर, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, मैं तो छोटा सा एक बंदा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर जमील नासर हमारे बड़े एक मारूफ पास्टर भी हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और चंद पास्टर हैं हमारे पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिमों में अपनी तबलीग करते हैं और अब खुदा का पैगाम और देते हैं, उनमें ये भी हैं, तो मैं इस हवाले से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पर मेरा उनसे इतफाक़ नहीं है और मैं जल्दी जल्दी इसलिए बात कर रहा हूँ कि कम वक्त में मैं इस वीडियो को बनाऊँ और मेरा जो मौक़िफ़ है, जो मेरा इस हवाले से जो मेरा मौजू है वो आप तक पहुँचे कि मैं क्या कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने इस बिल के हवाले से जो वीडियो बनाई है उसमें हमारी कम्यूनिटी, मैं समझता हूँ, शायद गलत हो सकता हूँ, वो कन्फ्यूज़ हो जाती है, नज़र आती है, क्योंकि डॉक्टर साहब अपने सारे पाकिस्तानी चर्चेस में चर्चेस को मुखातिब करके ये कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब उनका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है उसके साथ जाके मिलता है, कि जमात इस्लामी जिन जिन बातों पर आवाज़ बुलंद कर रही है उसी हवालों से डॉक्टर जमील नासिर साहब ने वो भी इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। गो कि मैंने उनका एक और प्रोग्राम देखा उसमें वो कह रहे हैं कि मैं इस बिल की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन वो मुखालफत कर रहे हैं, आप माने ना माने आप मुखालफत कर रहे हैं बिल की। तो आते हैं उनके, मैं पॉइंट मैंने कुछ नोट किए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो पॉइंट भी सुनाऊं, तो चलें देखते हैं कि ये पॉइंट जो है उनका, ये पहले सुनते हैं आपके सामने रखो, ताकि क्रिश्चियन चर्चिस को ये क्लियर हो जाए ये एक्ट है क्या। सो अब ये तो क्लियर हो गया कि आप जब चाहे, जिस वक्त चाहे, किसी लम्हे चाहे, आप अपनी जिंस बदल सकते हैं, और आईन इसका आपको हक देता है, कानून दर बन गया है। अब 40 में है, 50 में है, 100 में है, जिस है कि आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, किसी लम्हे चाहें, आप अपनी जिंस बदल सकते हैं और आईन आपको इसका हक देता है, ये कतई नहीं है। आप मुझे उस पूरे बिल में ये दिखा दें। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा 40 साल में हों, आप 50 साल में हों, आप 100 साल के हों, ये इस बिल का चूंकि आगाज़ है, तो आज अगर कोई हिजड़ा जो है वो अगर 50 साल का है और वो जाके कहता है कि जी मैं अपने आप को, वो मर्द है लेकिन वो कहता है कि जी मैं अपने आप को फीमेल महसूस करता हूँ, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि बिल जो है वो भी 2018 में पास हुआ है तो उसके बाद। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो बिल है, जिस जो मौजू हमारा जो ज़ेर बहस है कि ये जो शिनाख्ती कार्ड जो है इस पर उनको ये इजाज़त है, उनको ये राइट है कि वो अपनी जिंस बता सकते हैं, क्योंकि अगर वो किसी घर में पैदा हुए हैं और वो बचपन उनका नाम उनकी जगह लड़का लिखा गया बे फॉर्म के अंदर, लेकिन वो फील करते हैं कि वो मर्द हैं, तो वो अपनी जिंस वहाँ पर तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ये जहन में रखें, ये बार बार जो जुमला मैं कहूँगा इसको, हर बार शायद मैं ज़्यादा बार कहूँ तो उसको याद रखें कि ये बिल ट्रांसजेंडर्स के लिए है, लेकिन डॉक्टर साहब ने
जब भी बात की है तो उन्होंने मर्द और औरत की बात की है, जिससे कन्फ्यूजन ये पैदा होती है कि कोई भी मर्द, यानी अगर मैं भी जाऊं तो मैं उनको कहूं जी मैं अब फीमेल अपने आप को महसूस करता हूं, मैं मर्द नहीं हूं, तो वो चेंज हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। ये गलत फहमी है, इसे प्लीज़ करेक्ट करें। और मुझे नहीं पता कि डॉक्टर साहब ने ये बातें क्यों कही हैं, क्योंकि ये बड़ा क्लियर है, किसी भी ट्रांसजेंडर के पास तो ये राइट है, लेकिन किसी और मर्द के पास या औरत के पास ये राइट नहीं है कि वो जाके इस तरह करें। आगे एक और क्लिप सुनते हैं। आपको फीलिंग आ रही है, आप लड़की बन जाए, फीलिंग पर भाई, फीलिंग तो बदल भी जाएगी। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था इंटरनेशनली, बहुत से लोग जो ट्रांसजेंडर बने हैं या उन्होंने ट्रांसफर, आप अपनी, अब आप देखें कि आपको मतलब, एक लड़की कह रही है कि मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं, लड़का कह रहा है कि मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं लड़की बन जाऊं, ये लड़की नहीं, ये जो ट्रांसजेंडर है, फीमेल ट्रांसजेंडर, वो कह रहा है। यहाँ फिर कन्फ्यूजन, यानी लोग जो सुनने वाले हैं, जो क्योंकि मैंने आपको बताया पास्टर हमारे जमील नासिर साहब जो हैं उनकी फैन फॉलोइंग है, लोग उनको उनकी मैसेज को नोट करते हैं, देखते हैं, तो ये गलत मैसेज जा रहा है, ये लड़की नहीं, ये फीमेल जो ट्रांसजेंडर है वो ये कह रहा है कि जी मुझे लग रहा है कि मैं मेल हूँ, तो उसके ऊपर वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर तब्दीली करा सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक बार, जब वो शनाख्ती कार्ड अप्लाई करने के लिए जाएगा उसके बाद। ऐसा नहीं हो सकता कि शनाख्ती कार्ड पे अप्लाई कर दिया, उसने लिख दिया है कि जी मैं फीमेल हूँ, और दो साल बाद फिर कह पाजी मेरा शनाख्ती कार्ड के अंदर मेरी जींस चेंज करो, ये नहीं है, इतना आसान नहीं है, और ये पाकिस्तान है, ये जहन में रखें। आगे फिर इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। फौरन लड़की डिक्लेयर कर देगा, फौरन, ना मेडिकल सर्टिफिकेट लेगा, ना किसी डॉक्टर से पूछेगा, ना किसी चीज से नहीं पूछेगा, क्योंकि वो खुद गया है, दैट्स इट। कैसा कमाल का एक्ट है। अभी देखें कि हिजड़े के शनाख्ती कार्ड पर तब्दीली के लिए जो नाजरा में मेडिकल बोर्ड ने वो किया है, ये तो अब ये बड़ी अजीब बात है कि डॉक्टर जो है वो उसको मतलब इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि क्या हम जब लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है मुझे हिजड़ों में, हिजड़े या ट्रांसजेंडर, या हम जो आम मर्द और औरत हैं। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं 18 साल के बाद शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए गया तो डॉक्टर ने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि भाई आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आओ कि आप मर्द हो। किसी औरत को डॉक्टर नादरा वाले नहीं पूछते, हिजड़े को क्यों पूछें, ये डिस्क्रिमिनेशन है। हर मर्द का, जब मैं मर्द हूँ और मैं अपनी जिंस जो है वो जानता हूँ और मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं मर्द हूँ, और मुझे वो मेरी शक्ल सूरत देखकर भी कहेगा कि ये मर्द है, लेकिन हिजड़े के लिए उसका जो गेटअप होता है उसमें समझ नहीं आती, वो खुद कन्फ्यूज़ है वो, तो वो जब जाते हैं तो मैं इधर ये एक और भी चीज़ मैं समझता हूँ, क्योंकि ये हुकूमत की एक बहस मैंने देखी थी इस हवाले से, तो हुकूमत ये कहती है कि मेडिकल बोर्ड के लिए कहा गया, लेकिन वो एक करप्शन जो है उसको जन्म देगा। कोई ट्रांसजेंडर जब अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जाएगा और अगर वो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो पहले उसको डॉक्टरों के धक्के खाने हैं, पाजी मैनू सर्टिफिकेट चाहिए, वो 5,000 रिश्वत लेगा, 10,000 लेगा, इस तरह की चीज़ें जो है वो आएंगी, और ये बहुत बड़ी तादाद में आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि हज़ारों में नहीं, ये लाखों में, कराची में बड़ी बड़ी बस्तियाँ इनकी जो जाएँ अलग रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये करप्शन को जन्म देंगी, इनकी मुश्किलात में इजाफा करेंगी, क्योंकि ये बहुत गरीब होते हैं, ये अच्छे घरों के होते हैं लेकिन ये अपने घरों को छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद फिर वहीं अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, नाच नाच के अपना पेट पालते हैं, और कोई उठा के इनको ले जाता है, इनसे जातियाँ भी करते हैं लोग, और पता नहीं क्या क्या होता है, इस तरह से ना करें सर। एक और आगे चलते हैं इसके ऊपर। जिसे महसूस हो कि जी आप 50 साल के हैं, आपको महसूस हो नहीं मैंने खुदा ने गलत पैदा करता, मैं मुंडा है ही नहीं, मैं तो लड़की हूं, जिसे शक हो अपनी पैदाइश पर वो जिंस बदले। डॉक्टर कह रहे हैं कि जनाब 50 साल का अगर कोई लड़का जो है वो जाए कहे कि जी मैं लड़का नहीं लड़की हूं, तो वो अपनी जिंस बदल सकता है, ये ऐसा नहीं है। पहली तो ये बात है कि यहां पर भी लफ्ज लड़का वो बार बार कह रहे हैं लड़का, वो ट्रांसजेंडर मेल जो है वो जाके जब कहेगा तो वो बार बार नहीं कह सकता इसको, वो एक ही दफ़ा जब शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए जाएगा और वो अगर मेल ट्रांसजेंडर है तो वो बताएगा कि जी मैं फीमेल महसूस करता हूँ अपने आप को, तब तो ये हो सकता है, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है, और ये बिल में कहीं नहीं लिखा है,
प्लीज इसको नोट करें, ये बिल में कहीं भी ऐसी बातें नहीं लिखी हैं। आगे एक और मिसाल देता हूं मैं आपको। मोटिवेट करेगी कि तू लड़का नहीं है, तू दिखता लड़का है लेकिन तेरी हरकतों सकनात जो है वो लड़के जैसी नहीं है, लिहाजा तू ये जो जो ये जो सेक्स तेरा है या जिन्स है या सनफ है ये तेरी लड़कियों की है। अभी यहां पर देखें वो कह रहे हैं कि जो टीचर है वो बच्चे को जो उसको अगर एक ट्रांसजेंडर, उन्होंने लफ्ज़ ट्रांसजेंडर इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने लफ्ज़ लिखा है लड़का, अगर वो उसकी हरकत और सकनात लड़कियों वाली है तो टीचर जो है उसको मोटिवेट करेगी। और ये अब पाकिस्तान में शुरू हो चुका है और ये वो बता रहे हैं कि उसकी परवरिश स्कूल से शुरू हो जाएगी। ये भी क्या सराही है, ये आपकी ये आपका जो है ये सिर्फ ये आपका ओपिनियन है ऐसा होता है। पहली तो ये बात है कि एक बच्चा जो है उस बच्चे को, क्योंकि स्कूल में आप बता रहे हैं कि स्कूल में, तो स्कूल का बच्चा जो है वो तो अभी 18 साल का हुआ ही नहीं कि उसको शिनाख्त कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और हम बच्चे जो हैं जब जो ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं वो अपने आप में अगर तब्दीली महसूस करते हैं ये होता है, लेकिन किसी भी मुल्क में किसी भी टीचर को ये राइट नहीं है कि वो बच्चे के बारे में फैसला करे और उसकी तरबियत शुरू करे जब तक कि माँ बाप चाहे यूरोप हो या पाकिस्तान हो या अमेरिका कनाडा हो, यहाँ पर सिर्फ माँ बाप डिसीजन ले सकते हैं बच्चों की, अब कोई टीचर ये नहीं कर सकता। ये भी आपकी क्या सराही थी सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये उन लोगों की बात है कि जो बड़ी मुश्किलात में बड़ी परेशानियों में अपनी ज़िंदगी गुजारे। अखबार की किताब का हवाला देते वक्त डॉक्टर साहब कहते हैं कि मर्द जो है वो एक मर्द के साथ अगर सेक्स करता है तो वो दोनों मारे जाएंगे, मर्द मर्द के साथ सेक्स करता है, इसके ऊपर कौन इख्तलाफ कर सकता है, कोई बेवकूफ़ होगा जो इख्तलाफ करेगा। हम मसीह हैं और हम इस बात को यकीन करते हैं इसके ऊपर कि ये ऐसा ही है, बाइबल की कोई एक बात, कोई एक नुक्ता, कोई एक शोशा तब्दील नहीं कोई कर सकता। यहाँ पर बात जो है वो मर्द की नहीं हो रही, यहाँ ट्रांसजेंडर की बात हो रही है, ये बिल जो है ये उनकी राइट के लिए। डॉक्टर साहब आगे भी कहते हैं कि अगर कोई मूछों वाला भाई आकर मुझे कहे जी मैं लड़की हूँ, लड़कियाँ तो आमतौर पर वैसी बनी समझी होती हैं, और अगर जो ट्रांसजेंडर फीमेल भी आप देखते हो कि जो हिजड़े बने समझे होते हैं, ये अपने आप को लड़की बना के होता है। कौन सा ऐसा ट्रांसजेंडर है जो फीमेल फील कर रहा है लेकिन मूछें रखी होंगी। और दूसरी गल है डॉक्टर साहब तुसी पास्टर जड़े हो इन्नी छेती को एडे चंगे भी नहीं होंगे, एडे सीधे भी नहीं होंगे कि कोई तुहानू कहे जी नकाह पढ़ा दो तो तुम फौरन तैयार हो जाते हो, तुम बड़ी डिटेल से जाते हो, वो कई तो पुकारा करते हो कि जी ये मुंडे की शादी हुई तो ये तो ट्रांसजेंडर हैं। और दूसरी बात ये डॉक्टर साहब और अब तमाम वो पास्टर्स, ये आपका राइट है, अगर आपको कहीं शक हो रहा है आप नहीं करें उसको। मर्द मर्द की शादी, औरत औरत के दरमियान में ताल्लुकात, ये सख्त गुनाह है। यूरोप में ये हुआ है, हॉलैंड में सबसे पहले गे मैरिज जो है दुनिया में सबसे पहले यहाँ हुई। लेकिन आपका ये भी दावा कि जी चर्च जो है वर्ल्ड वाइड चर्च सरेंडर कर चुका है, कतई तौर पर नहीं, मुझे आप दिखाएं। ये यूरोप के अंदर मैं पूरे यूरोप घूमा हूँ, मैंने किसी जगह पर भी नहीं देखा कहीं इनके ममालिक में ये कानून है कि जी मर्द मर्द से शादी कर सकता है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आज़ादी है यहाँ पर। लेकिन चर्च जब जो चर्च हैं वो इस तरह के इश्यूज को पीछे करते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो चर्च है वो इग्नोर करते हैं इस तरह के लोगों को, मैंने नहीं देखा चर्च के अंदर। और जो जहाँ ये होता है, अब कोई भी बिल्डिंग बना के गए जो है बिल्डिंग बना के गए जी हमारा ये चर्च है, उनको नहीं आप रोक सकते कि जी ये चर्च, लेकिन जो आम कलीसियाएँ हैं आम चर्चेज हैं वो इनसे लातालुकी का इजहार करते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, ट्रांसजेंडर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंतहाई मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। मैं अकलियतों की बात करता था लेकिन अकलियतों के भी से भी ज़्यादा मुश्किल हालात में है ये, क्योंकि अकलियतें तो फिर इकट्ठी रहती हैं बच्चों में रहते हैं, इन मुश्किलात का फेस कर लेते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर ये वो कौम है, वो कम्युनिटी है जो अपने सगे बहन भाई और अपनी वो माँ जिसने उनको पैदा किया उसको भी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इतने अकेले रह जाते हैं कि इनको कुछ समझता नहीं। और ये जो शिनाख्ती कार्ड के हवाले से हुकूमत ने वो किया है, ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि इनके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं था। ये चौधरी इफ्तखार ने मेरे ख्याल इसके ऊपर शिनाख्ती कार्ड को भी शुरू किया था, जस्टिस चौधरी इफ्तखार साहब ने, उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता, तो शिनाख्ती कार्ड मिलने से इनकी इनको आसानी होगी, ये जॉब कर सकेंगे या नौकरी कर सकेंगे या कुछ काम कर सकेंगे। जब तक इनके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं था या इनके शिनाख्ती कार्ड के ऊपर
अभी जैसे जींस का हवाला हो गया, तो उस हवाले से इनको बड़ी मुश्किलात थी इनके टॉयलेट्स में, अगर कहीं जा रहे हैं होटल में या कहीं किसी जगह पर भी, तो मर्दों की और औरतों की टॉयलेट्स इनका बहुत सारे इश्यूज हैं सर। तो प्लीज़ इसको इस तरह से मिक्स ना करें। इस बिल के अंदर कतई तौर पर वो बातें नहीं थी जो डॉक्टर साहब ने कही हैं या हमारे जो पास्टर्स हैं वो कर रहे हैं। हम इंसानियत की बात करते हैं, इनके जो राइट हैं इनको वो मिलने चाहिए। और कोई भी नहीं कह रहा कि जी मर्द जो सेम सेक्स मैरिज है उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हम सब उसको गुनाह समझते हैं और उसको इग्नोर करते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।